हाय गाइस, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू तंदर ब्यूटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केकी फाउंडेशन को अवॉइड कैसे किया जा सके। केकी फाउंडेशन बहुत ही भद्दा लगता है, बिल्कुल भी मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो कुछ रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि स्क्रब योर फेस। नो मैटर आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, हमेशा फेस को स्क्रब कीजिए। और उसके बाद सेकेंड स्टेप है मॉइस्चराइज योर फेस। मॉइस्चराइजर बहुत ही जरूरी है। ऑयली स्किन वाले मैंने देखा है कि लोग वो मॉइस्चराइजर को स्किप कर देते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर सबके लिए है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी और ड्राई स्किन वालों के लिए तो है ही। तो हल्के से आप मॉइस्चराइजर को अपने फेस पर ऐसे प्रेसिंग मोशन में लगाना है ताकि एक हल्की सी ऊपर लेयर बन जाए और फाउंडेशन अच्छी तरह से टिके आपके फेस पर। तो हमें यहाँ, मैं जैसे आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के प्रेसिंग मोशन में मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। इससे फाउंडेशन को फाउंडेशन मॉइस्चराइजर को इधर उधर ड्रैग नहीं करना और कोई भी एरिया फेस का नहीं छोड़ना। आईज के ऊपर, नीचे, नोज के अराउंड, लिप्स पर और तो और ईयर्स पर भी आप मॉइस्चराइजर कर सकते हैं। और उसके बाद प्राइम योर फेस, और दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप। अगर आपको लंबे समय तक बाहर जाना है तो आप प्राइमर कर सकते हैं, प्राइमर लगा सकते हैं। अगर नहीं जाना, 2-3 घंटे के लिए मेकअप लगाना है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं प्राइमर। तो मैं यहाँ प्रेसिंग मोशन में फिर से एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। आप एलोवेरा जेल को एज ए प्राइमर यूज कर सकते हैं। तो अभी तीसरा स्टेप है यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ फाउंडेशन। अभी यहाँ मैं फाउंडेशन बता रही हूँ कौन सा मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। नीचे मैं लिख दूंगी कौन कौन से हैं। तो कौन सा टूल आप यूज करते हैं फाउंडेशन लगाने के लिए, वो भी बहुत जरूरी होता है। ब्यूटी ब्लेंडर से एक बहुत ही अच्छी नेचुरल फिनिश आती है। आप इस तरह का ब्रश भी यूज कर सकते हैं, ये फाउंडेशन ब्रश होता है, लेकिन आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी क्योंकि ये मुझे इसका यूज करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने सिर्फ हाफ पंप लिया है फाउंडेशन का, इससे ज्यादा मैं नहीं लेती। जब भी मुझे लगता है कि मुझे नेचुरल सी फिनिश चाहिए, तो मैं जहाँ मेरे प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहाँ जहाँ आपके एक्ने स्पॉट हैं, वहाँ वहाँ आप पहले लगाइए फाउंडेशन, और बचा कुचा फाउंडेशन जो आपका रह जाता है वो आप दूसरे फेस के दूसरे एरियाज पर लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ पम्प फाउंडेशन लिया है, तो ये आप लग रहा है जैसे मैंने कितना फाउंडेशन ले लिया है, लेकिन दिस इज ओनली हाफ पम्प। एक पतली सी लेयर बनेगी, इससे ज्यादा मोटी लेयर नहीं बनेगी और फाउंडेशन केकी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको। अगर आगे कंसीलर लगाना है तो आप आईज, अंडर आई को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे और बाद में कंसीलर लगाएंगे तो वह लेयर सी बन जाती है, कंसीलर क्रीज हो जाएगा और बहुत ही केकी लगेगा। तो आप वो एरिया को स्किप कर सकते हैं फाउंडेशन से। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने स्किन को अच्छी तरह से प्रेप किया है। प्रेप करने के बाद अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो एक ग्लो सी आती है आपके फेस पर, एक बहुत ही नेचुरल सा फिनिश आता है आपके फाउंडेशन का। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे दूर से लगता नहीं कि जैसे फाउंडेशन लगाया हो। तो हमें कुछ ऐसे ही फिनिश चाहिए। नॉन केकी फाउंडेशन ऐसे ही आता है कि जब लेस प्रोडक्ट लगाएं और अच्छी तरह से ब्लेंड करें। इसके बाद अगर आपको और कवरेज चाहिए, अगर आपके पिंपल स्पॉट्स हैं या फिर पिंपल्स हैं, तो आप हल्का हल्का वहां पर फाउंडेशन लगाए, एकदम से दूसरी लेयर ना लगा ले अपने फेस पर। अभी मैं एक्सेसिव फाउंडेशन को फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके एक्सेसिव फाउंडेशन निकाल रही हूँ। उसके बाद बारी आती है कंसीलर की। अभी मैंने अंडर आईज पर फाउंडेशन नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता है मुझे कंसीलर लगाना है। कंसीलर आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा लगाना है, ये फुल कवरेज कंसीलर है, इसलिए मैं बिल्कुल हल्का हल्का लगा रही हूँ, ज्यादा नहीं लगाना है। और बस कुछ इस तरह से हमें लगाना है और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना है अच्छी तरह से इसको। ये मेरा कंसीलर थोड़ा सा लाइट है, लेकिन अगर आपके स्किन टोन के हिसाब से भी कंसीलर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी फोरहेड पर या चीक्स पर अगर आपको लगाना है तो ठीक है, अगर नहीं लगाना दैट्स फाइन। मैं भी हर रोज डेली, अगर मुझे इधर उधर स्पेशल ओकेजन में जाना होता है तभी मैं इधर उधर लगाती हूँ, फोरहेड पर, चीक्स पर, नोज पर, अदरवाइज मैं सिर्फ अंडर आईज पर ही लगाती हूँ। अभी अच्छी तरह से हमें कंसीलर को ब्लेंड करना है। कंसीलर को ब्लेंड जरूरी है करना अच्छी तरह से, क्योंकि कंसीलर मोटा होता है और थोड़ा टाइम लेता है ब्लेंड होने में। तो अभी आप देख सकते हैं कंसीलर ब्लेंड हो गया है और फेस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अननेचुरल सा नहीं लग रहा है मेकअप।
अभी बारी आती है सेट करने की कंसीलर को। जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया है वहां वहां मैं सेटिंग पाउडर से सेट कर रही हूँ, और मैं ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज कर रही हूँ। बाय द वे, मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ यूज कर रही हूँ, कभी हमें ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करना है। अभी आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हो, एक मैंने सेट कर दिया है, दूसरा सेट नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों आंखों में। तो अभी मैं दूसरी आई भी सेट कर दूंगी सेटिंग पाउडर से। आप लूज पाउडर ले सकते हैं, ट्रांसकोलेंट पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। फोरहेड पर मैंने कंसीलर लगाया था, वहां भी सेट कर रही हूँ, नोज के ऊपर, चिन पर, जहां जहां बेसिकली हमने कंसीलर लगाया था। और उसके बाद ये वाला छोटा ब्रश ले रही हूँ। अभी मैं कंटूरिंग नहीं कर रही, मैं ब्रोंजिंग कर रही हूँ। ब्रोंजिंग के लिए मैं ये वाला कलर लूंगी, और हल्का हल्का सा, जैसे हम ब्लश नहीं लगाते चीक्स पर, वैसे ही थोड़ा सा आगे हमें ब्रोंजिंग करनी है कुछ इस एरिया में। तो कंटूरिंग मैं तभी करती हूँ जब मुझे स्पेशल ओकेजन पर कहीं जाना होता है, या कोई नाइट आउट, नाइट आउट तो मैं जाती भी नहीं, यस, रात में कहीं पर मेकअप लगाकर निकलना हो तो कंटूरिंग कर ले। अदरवाइज डे टाइम में ब्रोंजिंग बहुत ही नेचुरल लगती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पाउडरी सा फेस आपका ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं, क्रीम फाउंडेशन, क्रीम ब्लश ले सकते हैं। ये कीको से है क्रीम ब्लश, और अगर आपके पास क्रीम ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी यू नो गुड वे कि आपका ब्लश, कई बार मुझे रिक्वेस्ट आती है कि हमारा ब्लश बहुत ही पाउडरी लगता है, चीक्स पाउडरी लगते हैं, तो आप क्रीम ब्लश यूज कर सकते हैं या फिर लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। तो हल्का हल्का इसको लगाना है ब्रश की सहायता से, हाथ से इसको ना लगाएं, क्योंकि जो फिंगर स्ट्रीक्स पड़ जाते, फिंगर प्रिंट्स पड़ जाते हैं आपके चीक्स पर, तो हाथ से लगाना अवॉइड कीजिए। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आया है। आप देख सकते हैं कितना नेचुरल सा फिनिश है, कोई भी यू नो ज्यादा ओवर नहीं है मेकअप, बिल्कुल ग्लो आई है फेस पर, और बिल्कुल अच्छा बेस है ये। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा, और सेकंड स्किन की तरह फाउंडेशन लग रहा है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। तो बस ये था। अब मैंने मेकअप करने के बाद मैं बिल्कुल बदल गई, आई नो आई नो, लिपस्टिक लगाने के बाद, और आई मेकअप थोड़ा हैवी था क्योंकि मैंने इस पर ट्यूटोरियल भी फिल्म किया है। तो अभी लेकिन बेस वही है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अभी पूरा मेकअप करने के बाद कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी केकीनेस नहीं है, और कोई भी ड्राई पैचेस नहीं है, क्योंकि वो हमने स्क्रब करने के बाद पूरे निकाल दिए थे, अच्छी तरह से स्किन को प्रेप किया था। तो बस गाइज, यही है वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है किंदर ब्यूटी _R। मैं वहां DIY वीडियोज डालती हूँ। तो या गाइस, मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।